विषयों में हम लोगों का मन, हम लोगों का चित्त विषयों में जाता है, इसलिए विषय हम पर प्रभाव डालते हैं और हमारे चित्त में गुणों का प्रभाव होता है, इसलिए हमारा चित्त गुण जिस वक्त जैसे गुण होते हैं उसी प्रकार हमारा चित्त ऐसा हो जाता है। तो विषयों के तरफ आकर्षण जैसे पानी का बहाव नीचे के तरफ है, ऐसे ही इंद्रियों का बहिर्मुख होना स्वाभाविक। तो विषयों में आसक्ति अथवा विषय चिंतन करते करते हमारे चित्त की आदत बन गई है, कई जन्म जन्मांतरों की चित्त की आदत पड़ गई है, इसलिए हमारा चित्त जो है चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थिति नहीं पाता। तो विषय हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं और चित्त जिस वक्त जैसे गुणों के द्वारा संचालित होता है ऐसा उनको भासता है। ये बात संकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से भी पूछी कि चैतन्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति कैसे पाई जाए, इंद्रियां आंखें बाहर को देखने को खींचती है, कान बाहर का सुनने को खींचते हैं, जीव स्वाद लेने को खींचती है, नाक सूंघने को खींचता है, तो आदमी मुक्त कैसे हो? ये तो विषय उसको खींचते रहेंगे, तो उसको मुक्त कैसे, मुक्ति पाना हो तो कैसे, जंजाल से छूटना हो जन्म मरण से तो कैसे? अब ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर विचार किया कि इनका प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी को ठीक से पूरा नहीं, तब भगवान आदि नारायण का आवाहन किया और आदि नारायण भगवान हंसा अवतार लेकर प्रकट हुए, ऐसी कथा कहती है। ब्रह्मा जी जान गए और ब्रह्मा जी ने पुत्रों को संकेत किया कि आप पूछो। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे हंस रूप में विराजमान आप कौन हो? तब हंसावतार भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है, मैं कौन हूं ये तुम पूछते हो। शरीर दृष्टि से देखा जाए तो जैसे पांच भूत तुम हो ऐसे मैं हूं, और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जैसा चैतन्य तुम हो ऐसा मैं हूं। ब्रह्मा जी तुम्हें प्रेरित करते हैं उस प्रश्न पूछने के लिए, चतुर संकादियों ने ऐसा ही प्रश्न पूछा कि जिससे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो। फिर हंसावतार में भगवान ने ये जो दृश्यमान जगत है, जो आंखों से दिखता है या इंद्रिय गोचर होता है, वो सब पांच भूतों का विलास मात्र है, ये माया मात्र है, देखने भर को है, बाकी देखा जाए तो स्वप्न में बदलता जा रहा है। इस माया को सत्य नहीं कहा जाता क्योंकि क्षण क्षण में बदलता है, नाश होता है। असत्य नहीं कहा जाता क्योंकि इसके द्वारा काम होता है, इसीलिए इस माया को अनिर्वचनीय कहा, मिथ्या कहा, अनिर्वचनीय कहा। तो ये अनिर्वचनीय माया के द्वारा ये दृश्यमान जगत दिखता है, इसको जो सत्य मानता है और अपने सत्य स्वरूप का जो चिंतन नहीं करता उसका चित्त रुकना कठिन हो जाता है। जो असत मिथ्या जगत को सच्चा मानता है, मिथ्या देह को मैं मानता है, मिथ्या इंद्रियों के भोग में सहमत हो जाता है, उसके लिए इंद्रियां बलवान हो जाती है और संसार उसके लिए भाव बंधन का कारण हो जाता है। लेकिन जो बार बार संसार के मिथ्यात्व का ख्याल करता है, अपने साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप में आराम पाने की कोशिश करता है, संयोगजन्य सुख में जिसकी ममता नहीं है, संयोगजन्य देह में जिसकी अहंता नहीं है, वो परम पद को पाता है। हंसावतार ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तत्व ज्ञान के गीत गाए, उस गीतों का नाम हंस गीता नाम पड़ा।
48 गीता है, कृष्ण गीता, राम गीता, शिव गीता, अष्टावक्र गीता, उद्धूत गीता, ऐसे हंस गीता। जागृत में हमारी सत्व प्रधान वृत्ति होती है जो इंद्रियों के द्वारा बाहर के जगत को देखती है। स्वप्ने में रजस प्रधान वृत्ति होती है और तमस में निद्रा में तमस प्रधान होती है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, अभी हम लोग जो देखे हुए सुनते हैं, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं सुनते हैं, ये जागृत अवस्था है। ये जागृत अवस्था भी वृत्ति से दिखती है। रात्रि को स्वप्न दिखता है, स्वप्न अवस्था भी वृत्ति से दिखती है। और सुषुप्ति हो गई और वृत्ति तमस में लीन हो गई, उसलिए दिखती नहीं जागृत और स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति से जब उठते हैं तब लगता है कि सुषुप्ति थी। तो ये वृत्तियां रोज अब रोज उठती है और इन वृत्तियों के साथ जीव जुड़ जाता है, तब दुख का भागी होता है, संसार का भागी हो जाता है। इन वृत्तियों को, सत्व रज तम प्रधान वृत्तियों को देखने वाला जो है दृष्टा, अथवा जो वृत्तियों का उद्गम स्थान है, उसको अगर मैं मानकर ये जीव विश्रांति ले तो उसका संसार समुद्र सुखा जाता है। तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। आत्मज्ञान का विचार करना पड़ता है। जप से, ध्यान, निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं सनकादियों को कि संसार सागर कैसे सूखता है। इंद्रियों के विषय तो है, मन भी है, संसार खींचता है। बोले सकाम भाव से कर्म करने से संसार सागर बहलता है, फैलता है, और निष्काम कर्म करने से संसार सागर का आकर्षण कम होता है। भगवान श्री हरि की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान हरि हंसा अवतार में श्री हरि ने कहा कि जो लोग मुझे साथ में स्वर्ग में मानते हैं वे भी मुझे ठीक नहीं जानते हैं, और जो लोग मुझे क्षीर सागर में ही केवल मानते हैं वो भी ठीक नहीं जानते, लेकिन जो निष्काम कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और फिर सबके हृदय विषय जो मैं विराजमान हूं उसी मुझ चैतन्य में जो विश्रांति पाते हैं वे ही मुझे ठीक जान सकते हैं, और उन्हीं के बुद्धि से संसार का आकर्षण हट जाता है। और कल्पित बुद्धि में, संसार कल्पित है तो तुम्हारा शरीर भी कल्पित है, शरीर कल्पित है तो बुद्धि भी कल्पित है, और बुद्धि कल्पित है तो बुद्धि में आए हुए भाव सुख दुख के वो भी कल्पित है। जैन और बौद्ध धर्म ने आत्मख्याति को स्वीकारा है। आत्मख्याति माना जिस वक्त बुद्धि में जैसा भाव आया उस वक्त जगत वैसा लगता है, जितनी देर बुद्धि में जो भाव आया उस वक्त उस भाव से बुद्धि आक्रांत ऐसा सत्य दिखाती है, लेकिन सत्य बदलने वाला चीज नहीं है। बुद्धि जैसा दिखाती है वो सत्य नहीं होता है। आत्मख्याति जैन धर्म और बौद्ध धर्म मानते हैं, तो वेदांत ने भी इस आत्मख्याति को अपनी दृष्टि से पहले ही खोज रखा है कि दृष्टि सृष्टिवाद, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जितनी दृष्टि उतनी सृष्टि, और जब दृष्टि तब सृष्टि। जिस वक्त जैसा बुद्धि की वृत्ति में आता है उस वक्त जगत ऐसा लगता है। महाशूरवीर त्रिलोकी के रहस्य को जानने वाले ऐसे कोई आत्मरामी पुरुष हो, लेकिन जो मूर्ख आदमी है वो उनको कायर मान ले तो उसको कायर दिखेगा, भक्त को भगवान दिखेगा, मूर्ख को तो रण छोड़ के भागने वाले कृष्ण रण छोड़ दिखेंगे, लेकिन गोपियों को तो गुलामी अटखेलियां करती हुई नटवर की लीला दिखेगी।
तो जिस वक्त बुद्धि में जैसा भाव आता है उस वक्त जगत का बाह्य व्यवहार जो है उस दर्शक को वैसा दिखता है। भागवत में एक प्रसंग आता है कि कंस को जब श्री कृष्ण ने स्वधाम भेज दिया, चाणों को और मुष्टिक को और मल्लों को ठीक कर दिया, वसुदेव दौड़ते दौड़ते आए और श्री कृष्ण का माथा सूंघा, गले लगाया, खूब खूब प्यार किया। बेटा तू नन्ना मुन्ना था और इन पापी कंस के और मल्लों के चक्कर में तुझे लाया गया, मैं बड़ा भयभीत हुआ था और मैंने हनुमान जी की बाधा की कि हे हनुमान जी, अगर मेरे बेटे की आप सुरक्षा करेंगे, मेरे बेटे को स्वयं कुशल स्वयं इस षड्यंत्र से वापस आ जाएगा तो मैं सवा मन बूंदी के लड्डू बांटूंगा। श्री कृष्ण कहते कि वो युद्ध के मैदान में मैं जब मल्लों के साथ था ना तो लंबी लंबी गदा और लंबी लंबी पूंछ और बड़े बड़े काया वाला कोई दिखा। बोले वो हनुमान जी, क्या बस उन्हीं ने बचाए। भागवतकार लिखते हैं कि गोपियों ने देखा तो श्री कृष्ण में कांत भाव और योगियों को श्री कृष्ण अपना आत्मा लगा, वेदांतियों को कृष्ण ब्रह्म रूप में लगा, लेकिन कंस को कृष्ण काल रूप में दिखता था। चाणों को और मुष्टिकादिकों को पहलवानों को श्री कृष्ण मल्ल के रूप में दिखते थे और अक्रूर को श्री कृष्ण अपने इष्ट के रूप में दिखते थे। तो श्री कृष्ण जो थे वो थे, जिनकी जैसी योग्यता थी, जैसी आत्मख्याति थी, जैसी दृष्टि थी वैसे दिखी। ऐसे ही ये सारा विश्व श्री कृष्ण का विग्रह कहो, ब्रह्म का विग्रह कहो, ये जैसा है वैसा है, लेकिन बुद्धि में जिस वक्त जो गुण का प्रभाव है उस वक्त जगत ऐसा दिखता है। तो जिन्होंने जगत में से सुख लेने की आकांक्षा की और जगत जिससे दिखता है ऐसी बुद्धि वृत्ति को देखने की कोशिश नहीं की, वे जगत में घटियंत की नाई घूमते रहेंगे। लेकिन जिसने जिस बुद्धि से जगत दिखता है उस बुद्धि को प्रकाश जहां से मिलता है, ऐसे प्रकाश स्वरूप परम तत्व का जिन्होंने विचार किया, वे इस संसार के व्यवहार में होते हुए भी संसार के मिथ्या व्यवहार से प्रभावित नहीं होते और अपने असंग स्वरूप को ज्यों का त्यों जानते, उनको जीवन मुक्त कहा जाता है, उनको आत्मरामी कहा जाता है। प्रेम ने ऐसा जादू मार दिया है, सुबह से शाम तक लोग दौड़ते हैं, जीवन से मौत तक पागल हुए जा रहे हैं। पागल किसने किया कि प्रेम ने। वो प्रेम कोयल की टुंकार पैदा करता है, वो प्रेम बुलबुल के कंठ में पुकारता है, वह प्रेम प्रेसी के तरफ निहारने को आकर्षित कर देता है, वही प्रेम धनवान को धन कट्ठा करने में लगा देता है कि धन कट्ठे में, जिसका धन में प्रेम है वो धन कट्ठा करता है, जिसका कपड़ों में प्रेम है वो कपड़े ले आता है। मतलब कपड़े नहीं चाहिए, प्रेम 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 नचाता है किसी किसी ठिकाने, किसी किसी दुकान पर, किसी किसी जन्मों में, किसी किसी चेष्टाओं में प्रेम नचा रहा है। इस प्रेम ने सबको दीवाना किया है। सत्ताधीश कुर्सी को प्रेम करते हैं, लोभी धन को प्रेम करते हैं, अहंकारी मान बड़ाई को प्रेम करते हैं। प्रेम के अलग अलग साधनों में प्रेम खोजा जाता है, लेकिन मजे की बात है कि जैसे आईना प्यारा क्यों होता है कि अपना मुख दिखता है, ऐसे ही साधन क्यों प्यारे होते हैं कि अपनी बुद्धि वृत्ति में मान्यता होती है कि यह मिलेगा तब मैं सुखी होऊंगा। जय जय। आईना में चेहरा दिखता है, आईने को पकड़ रखे क्यों कि तुम्हारा चेहरा दिखता है, ऐसे ही साधनों को पकड़ रखते हो क्यों कि तुम्हारा प्रेम उसमें छलकता है। पहलवानों को कुश्ती में प्रेम लगता है, वहां से उनको सुख का आभास होता है। सुख तो अपने में है लेकिन बुद्धि वृत्ति में कि पहलवान बनूं और मल्ल हो जाऊं, इसको हराऊं तब सुखी होऊंगा, इस प्रकार का सिग्नेचर किया हुआ है। तो पहलवानी के आईने को पकड़ा, न्यायाधीश ने न्याय के आईने को पकड़ा, वकील ने वकीलात के आईने को पकड़ा, जोगी ने योग के आईने को पकड़ा,
लेकिन है तुम्हारी बुद्धि वृत्ति के पीछे तुम्हारा ही वो अंतर्यामी प्रेम स्वरूप जिसने सारे दुनिया को पागल बनाया, सारे विश्व को पागल बनाया इस प्रेम ने। पक्षियों की दौड़, बुलबुल की टुंकार, कोयल की टुंकार, पपीहे का पुकारना, स्त्री के नटखट चाल और मर्द की आजीजी करना, ये सारा का सारा प्रेम का ही तो विस्तार है। धन सत्ता के पीछे मर मिटना ये भी प्रेम का ही विस्तार है। जिसने जिस जिस साधन को प्रेम किया है, हकीकत में प्रेम स्वरूप स्वयं है, लेकिन बुद्धि वृत्ति गुणों से आक्रांत हो गई और फिर ऐसा करूं तो सुखी होऊंगा, ऐसा करूं तो सुखी होऊंगा, ये पाऊं तो सुखी होऊंगा। राजा ययाति की दो स्त्रियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, शर्मिष्ठा राजा के पास दासी होकर आई थी। लेकिन कुछ समय के बाद शर्मिष्ठा के साथ राजा ने पत्नी उचित व्यवहार किया और उससे पुत्र प्राप्त किया। ये देवयानी को ईर्ष्या हुई, स्त्रियों को ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्यालु देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को जाके कहा कि मेरे पति ने दासी के साथ व्यवहार करके पुत्र प्राप्त किया। शुक्राचार्य आत्मज्ञानी नहीं थे और सामर्थ्य था, श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ, यौवन अवस्था में तुम बुढ़े हो जाओ। बुढ़े हो गए, प्रायश्चित किया थोड़ा, तो आखिर जमाई के ऊपर ससुरा खुश हो जाता है। आजी ने जा रखी ययाति ने, बोले ये वृद्धावस्था तो तुमको आ जाएगी, लेकिन तुम जिनको देना चाहोगे उसको दे सकोगे। ययाति को 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र को कहा कि बेटा तू, मेरी जवानी चली गई है, अब बुढ़ापा आया तो तू बुढ़ापा ले ले और तेरी जवानी मुझे दे दे, मेरे को अभी संसार भोगने में तृप्ति नहीं हुई। उसने इनकार कर दिया। ययाति ने श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र और तू राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा। दूसरे पुत्र को कहा, दूसरे ने इनकार कर दिया, उनको भी श्राप दे दिया। ऐसे चारों के चार पुत्रों को श्राप दिया। पांचवा जो पुत्र छोटा था शर्मिष्ठा का, उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि अभी संसार का भोग भोगूं और अकारण श्राप के कारण मैं वृद्धत्व को प्राप्त हो गया, तो मेरा वृद्धत्व तू ले ले और तेरी जवानी मुझे दे दे, मैं संसार का सुख भोगूं। तब उस छोटे पुत्र ने कहा, ये मेरे सौभाग्य है कि आप मेरे को अपना समझते हैं, इसलिए मुझे वृद्धत्व देना चाहते हैं, ये मेरे सौभाग्य है, बड़े खुशी से अपना वृद्धत्व दीजिए और मेरी जवानी लीजिए। कथा कहती है कि 1000 वर्ष तक का भोग भोगा उन्होंने अपने पुत्र की जवानी से, लेकिन जैसे अग्नि में आहुति दी जाती भोग की वासना बढ़ती रहती है, ऐसे ही इधर के तो भोग भोगे, राज्य का राजपाल राज्य का भार वहन करता था, यह आती प्रजा का पालन करता था, शास्त्र अनुकूल भोग भोगता था, लेकिन उसे फिर अवसरा भोग भोगने की इच्छा हुई और वो उसके लिए बेचैन रहने लगा। ऐसा कोई भोग नहीं है कि भोक्ता को शांति दे सके। जय जय। ऐसा कोई बाहर का सुख नहीं है जो सुख लेने वाले को परेशानी न दे। ये बात बुद्धि में जब तक समझ में नहीं आती, तब तक सुख स्वरूप आत्मा में आदमी अंतर्मुख नहीं होता है। ऐसा कोई बाहर का सुख नहीं है जो दुख से मिश्रित न हो। तो संसार का सुख कहने भर को सुख है, वास्तविक में दुख है। तो संसार दुखाल है ऐसा समझते ही आदमी अंतर्मुख होता है, तो दुख हारी श्री हरि उसका दुख दूर कर लेते। जो संसार से दुख मिटाना चाहता है अथवा संसार से सुख लेना चाहता है, समझो उसको ठोकरें खाना बाकी है।
जो संसार से सब दुख मिटाना चाहता है अथवा संसार में से पूरा सुख लेना चाहता है, समझ लो कि उसके भाग्य में ठोकर खाना बाकी है। संसार पूर्ण सुख देने में समर्थ नहीं है। पूरी पृथ्वी की सुंदर चीजें एक आदमी को दे दो, पूरी पृथ्वी की सत्ता एक आदमी को दे दो, पूरी पृथ्वी के माल मेवा मिठाइयां एक आदमी के दे दो, पूरी पृथ्वी के हवाई जहाज एक आदमी के अधीन कर दो, पूरी पृथ्वी का जो अच्छे में अच्छा बाह्य भोग है वो एक आदमी के दे दो, फिर भी वो पूर्ण संतुष्ट नहीं होगा और ज्यादा परेशान होगा। भोगान भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, ही भरतरी ने कहा। भोग भोगता भोग को क्या भोगता है, भोग ही भोगता को भोग लेता है। समय तो क्या बीतता है, समय की धारा में भोगने वाला ही आदमी ही मर जाता है। समय तो वही सुबह शाम दिन रात परंपरा से चल रहा है, गर्मी सर्दी और बारिश, ये तो ऋतु बदलती रहती है। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया के जो मजे हैं, दुनिया की जो परिस्थितियां हैं, वो तो एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी, वो तो कम नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जो परिस्थितियां जिस पर से गुजरी वो एक दिन नहीं होगा। तो आज से 100 साल पहले अभी के जो दिखते हैं पृथ्वी पर उसमें का एक भी नहीं था, और 100 साल के बाद एक भी नहीं रहेगा। तो अभी जो दिख रहे हैं वो भी तो नहीं के तरफ जा रहे हैं। अभी जो दिख रहे हैं सत्ताधीश दिख रहे हैं, धनवान दिख रहे हैं, मठाधीश दिख रहे हैं, वो भी नहीं के तरफ जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा उद्धव को, यदि दम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम, जो आंखों से कानों से देखा जाता सुनाई पड़ता है, जीभ से बोला जाता है, नाक से सूंघा जाता है, मन से सोचा जाता है या बुद्धि से निर्णय किया जाता है, वो सब माया मात्र है, मिथ्या है। इस मिथ्या जगत को सत्य मानने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंची पदवियों पर पहुंच जाए फिर भी अंदर से परम शांति नहीं पा सकता, और जब तक परम शांति नहीं पाई तब तक ये जीव बेचारा अभागा रह जाता है। मैंने कल परसों बात दोहराई थी, शिविर में दोहराई थी बात, कि भाई होकर भाई के साथ कर्तव्य निभाया, पिता होकर पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया, बेटा होकर बाप के साथ कर्तव्य निभाया, वकील होकर असील के साथ कर्तव्य निभाया, और न्यायाधीश होकर वकीलों के साथ और कोर्ट के साथ कर्तव्य निभाया, मठाधीश होकर मठ के साथ कर्तव्य निभाया, महाराज साहब होकर ऑफिस के साथ कर्तव्य निभाया, सेठ होकर दुकान के साथ नौकरों के साथ कर्तव्य निभाया, लेकिन समय की धारा में कर्तव्य निभाना और कर्तव्य का परिणाम ये समय की विशाल समय की धारा में सब छू होता जाएगा। कर्ता की जब मृत्यु होती है तो कर्ता ने कईयों से कर्तव्य निभाए, लेकिन कर्तव्य निभाने का सुख दुख हर्ष शोक और प्राप्ति अप्राप्ति अंत में कर्ता के हाथ में कुछ रहता नहीं, मृत्यु के समय कर्ता अभागा रह जाता है, अनाथ रह जाता है। कर्ता ने भाई के साथ कर्तव्य निभाया, पत्नी के साथ कर्तव्य निभाया, पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया, जमाई के साथ कर्तव्य निभाया, वैवाहिक के साथ कर्तव्य निभाया, अरे कर्ता ने जीव होकर ईश्वर के साथ कर्तव्य निभाया, लेकिन कर्ता ने अपने मूल स्वरूप को नहीं खोजा तो कर्ता बेचारा अनाथ रह जाता है। तो ये थोपे हुए कर्तव्य कर्ता ने जिस वक्त कर्ता अपने को जैसा मानता है ऐसा उसके ऊपर कर्तव्य आ जाता है। अपने को पिता मानता है तो पुत्र पालन का कर्तव्य आ गया, अपने को जमाई मानता है तो सासू ससुरा के आगे नाक रगड़ना कर्तव्य आ गया, और महाराज अपने को कुटुंब का बड़ा मानता है तो पालन पोषण और कुटुंबियों के मन को खुश रखना यह कर्तव्य आ गया। कर्ता जिस समय अपने को जैसा मानता है उस समय कर्ता के सिर पर उसी प्रकार का बोझ आ जाता है, लेकिन कर्ता जब अपने को ब्रह्म रूप में जानता है तो उसका कोई कर्तव्य नहीं है, सहज स्वभाव उसका भी नहीं है। कर्ता अपने को खोज ले, ब्रह्म रूप में निहार ले,
तो फिर कर्ता का कोई कर्तव्य नहीं, कर्ता सहज स्वभाव में जग जाता है। तो श्री कृष्ण ने आठवें स्कंद के आठवें अध्याय में बात कही, जो आंखों से दिखता है, इंद्रियों से सोचा जाता है, पकड़ा जाता है, देखा जाता है, सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, वो सब माया मात्र है, कल्पना मात्र है। हे उद्धव, इसमें तुम मत पड़ो, लेकिन जिससे ये सब स्फुरित होती है उस आत्मा में विश्रांति पाने के लिए बद्री का आश्रम चले जाओ, एकांत में कुछ समय के लिए साधकों को एकांतवास करना चाहिए, ताकि इंद्रियों का, बुद्धि का और चित्त का जो स्वभाव है संसार की तरफ आकर्षित होने का, उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाए और तुम अपने स्वभाव में जानने के लिए थोड़ा समय निकाल सको। दुनिया की सब चीजें किसी आदमी को दे दो, लेकिन इसको एकांतवास नहीं और आत्मविचार नहीं, तो समझो कर्ता अनाथ हो जाएगा। और जिसके पास आत्मविचार और एकांत है, दुनिया की हर चीज उससे छीन ली जाए, फिर भी महाराज जिसके पास आत्मविचार और एकांत है वो परम सौभाग्य को पा लेता है। क्यों? कि परमात्मा को तो कोई छीन नहीं सकता, अपने आत्मा को तो कोई छीन नहीं सकता, और संसार की वस्तु को आज तक कोई रख नहीं सका है। तो जो नहीं रख सकते उस चीजों को किसी ने छीन लिया तो क्या बड़ी बात, लेकिन जो सदा साथ में, उसको जानने के लिए अगर समय मिल गया, बेड़ा पार हो गया। यही बात रामायण में कही, गो गोचर जहां लगी मन जाई, तो सब माया जानहु भाई। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो विचरण करने वाली वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, आत्मख्याति, जहां भी जाती सब माया जानो, ये सब माया मात्र है, स्वप्ना मात्र है। बिना ख्याल के तुम जगत दिखा नहीं सकते, बिना ख्याल के तुम सुख दुख दिखा नहीं सकते, बिना ख्याल के तुम शत्रु मित्र दिखा नहीं सकते, बिना ख्याल के पटेल और चौधरी और लेवा और देवा तुम बना नहीं सकते। ये सारा ख्यालों का ही तो खेल है। अज्ञानी जीव जी हालत, सिंध के प्रसिद्ध अच्छे आत्मरामी संत बोधराज हो गए, उन्होंने वेदांतिक भजन बनाया। अज्ञानी जीव जी हालत, कदे कैड़ी खबर बदले, करे जे पान ते कृपा, हिंजर जो हिंजर चक्र बदले। अज्ञानी जीव की हालत किस वक्त कैसी हो जाए कोई पता नहीं, उसकी बुद्धि किस वक्त कैसी हो जाए कोई ठिकाना नहीं, उसका ख्याल किस वक्त कौन सी करवट ले कोई ठिकाना नहीं। और ये भजन गाते फिल्म वाले भी, एक क्षण में हंसना, एक पल में रोना, ऐसा है जीवन का मेला। जीवन का मेला नहीं, बेवकूफी का मेला है। एक पल में मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला, ऐसा तो फिल्म वाले भी गाते हैं। तो महाराज, ये दो दिन का दुनिया जो मेला है, इस मेले को मेला समझ के कभी कभी रहो अकेला। तो इंद्रियां, मन और विषय, इसके संयोग से जो कुछ भी मिलेगा वो वास्तविक तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेगा। इन सब के संयोग से कितना भी बाहर का सुख मिला ययाति को, शर्मिष्ठा के पुत्र ने, छोटे पुत्र ने पिता की वृद्धावस्था ले ली, खूब भोग भोगे। एक दिन उसे उपरांत आई कि भोगों को मैंने नहीं भोगा, जितने भी भोग भोगे, जितना भी संसार का सुख लिया, उतना और लेने की, उनको संभालने की इच्छा और जवाबदारी बढ़ गई। अंत में काल आकर कब झपेटे कोई भरोसा नहीं, और मैं नाहक अपना आयुष्य नाश कर रहा हूं। अपने छोटे पुत्र को आशीर्वाद दिया, उसको राजपाट दिया, जवानी लौटा दी संकल्प बल से, और वृद्धत्व वापस ले लिया और एकांत में चला गया। देवयानी और शर्मिष्ठा पत्नी तो भोगी, लेकिन अप्सराओं के भोग भोगने की इच्छा के बाद भी देखा कि शांति नहीं, सुख नहीं।
वेदांत दर्शन का विचार सागर नाम का एक बहुत सुंदर पुस्तक है, उसको अच्छी तरह से जो लोग साक्षात्कार करना चाहते वो अच्छी तरह से अगर समझ लेते ना तो उन्हें वेदांत की भाषा या वेदांत का तत्व ज्ञान जल्दी पच जाता है। विचार सागर का उसको, उसमें लिखा है जो सुख नित्य प्रकाश विभू, जो सुख नित्य है, प्रकाश स्वरूप है, विभू माना व्यापक है, नाम रूप आधार, मति न लखे जो मति लखे सो में शुद्ध अपार। नाम और रूप जिसके आधार से टिकते हैं, मति नहीं देख सकती लेकिन जो मति को देखता है उसका बेड़ा पार हो गया। तो सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा और हंसा अवतार में भगवान ने आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, उससे हंस गीता का प्रागट्य हो। तो आज का ये श्लोक कहता है जैसे स्वप्न बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख तथा संसार भी माया से बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है मिथ्या है। शोक मोह सुख दुखम देहापतेश्च मायया, स्वप्नो यथात्मानः ख्याति संस्कृति न तु वास्तविक। ये वास्तविक नहीं है, संसार मिथ्या है तो देह भी मिथ्या है और तुम्हारी बुद्धि भी माया से स्फुरी है। तो बुद्धि में जो शोक आता है, दुख आता है, चिंता आता है, तो चिंता को दुख को शोक को अपने में जो लोग लगा देते वे दुखी हो जाते हैं। जय जय। चिंता को शोक को परेशानी को जो लोग अपने में मान लेते हैं वे परेशान रहते हैं, लेकिन जब चिंता आए शोक आए या हर्ष आए तो समझ लेना चाहिए कि आने जाने वाली चीज है। लाइफ में वेदांत तो होना चाहिए लेकिन वेदांत को स्वीकार करने के लिए तैयारी भी तो होनी चाहिए। दुनिया के सब लोग मित्र हो जाए लेकिन जब तक तुम्हारा विचार वेदांती नहीं हुआ तब तक तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे सब। जयराम जी की। और दुनिया के सब लोग शत्रु हो जाए और तुम्हारा वेदांत निष्ठा में मन ठीक है तो आपको सब लोग मिलकर भी दुखी नहीं कर सकते। कोई शूली चढ़ा सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, दोष अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन जब वेदांत के विचार से आप अपने आप में आ गए तो शब्द भी आपके शरीर तक पहुंचेंगे, आपके मन तक पहुंचेंगे, आपकी बुद्धि तक पहुंचेंगे, आप तक तो संसार का कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता। भी इस समय तुम इतने पवित्र हो कि संसार का कोई दुख पहुंच नहीं सकता। ये जो बम बने ना, एक बम नहीं, एक करोड़ बम, अरबों बम अभी जो बने हुए उससे हजार गुने और भी बन जाए, फिर भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का तो ये बमों के बाद कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम ऐसी चीज हो। लेकिन जब तुम देह को मैं माना तो ये बम नहीं गिरते, तभी भी विचारों का किसी का छोटा सा बम भी तुम्हारे चित्त में भड़ाके पैदा कर देगा। ऐसा दुख नरक में भी नहीं है जितना दुख अज्ञानी बना लेता है, और ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं है जैसा सुख ज्ञानवान के सानिध्य मात्र से प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान मान जहां एको नाही देखत ब्रह्म समान सब माही। एक बार गंगा किनारे झाड़ियों में कुछ विरक्त लोग शाम के टाइम चर्चा कर रहे थे। अंतरंग साधना किसको कहा जाता है और बहिरंग साधना किसको कहा जाता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। झाड़ियों में से एकांतवास करते हुए अच्छे विरक्त जवाबदार वेदांती अनुभवी महापुरुष आए, सब उठ खड़े हुए, उनका बड़ा आदर किया। जिनका आदर भगवान कृष्ण करते राम करते उनका आदर और लोगों ने किया तो क्या बड़ी बात है, लेकिन ऐसे पुरुषों को आदर अनादर का कोई, आदर मिलने से उनको अहंकार नहीं होता,
और अनादर मिलने से उनको विषाद नहीं होता, लेकिन आदर करने वाला उनका पुण्य और उनकी कृपा पा लेता है और अनादर करने वाला प्रकृति का कोप पा लेता है। तो जो ब्रह्मवेताओं के प्रति आदर करता है उसको होम डिलीवरी आनंद और सुख मिलता है, और जो ब्रह्मज्ञानियों के प्रति अनादर का भाव अंदर में भी आ जाए तो फिर महाराज प्रकृति एकदम होम डिलीवरी बिना चार्ज उसके हृदय में होम डिलीवरी कर देगी बेचैनी की, अशांति की। किसी को अशांत करना है तो कोई ब्रह्मज्ञानी के विषय उसके लिए अंदर से कुछ भिड़ा दो, उसको अपने आप अशांत हो जाएगा। और किसी को सुखी करना है, आनंदित करना है, तो किसी न किसी ज्ञानवान के प्रति उसकी श्रद्धा पैदा हो ऐसा वातावरण कर दो। जिस समय हम ब्रह्मवेताओं के प्रति, ब्रह्म परमात्मा के प्रति, ब्रह्मवेताओं के प्रति अपने हृदय में थोड़ा भी कुविचार करते हैं या हेय विचार करते हैं उस समय बेचैनी चालू हो जाती है, और जिस समय उनमें शंकाएं दिखती है ऐसा वैसा होता है हमारी बेचैनी और बुद्धि बैल मार जाती है। और जिस समय ब्रह्म ज्ञानियों के प्रति हृदय में प्रेम उमड़ता है, उनके वचनों के प्रति आदर होता है, फिर चाहे कितनी भी बाई मुसीबतें और वातावरण ऐसा वैसा होता है लेकिन ब्रह्मवेताओं के प्रति ठीक आदर होता है तो हमारे हृदय में शांति और आनंद छलकता है, बेपरवाही छलकती है। वो ब्रह्मवेता संत आए, सबने उठकर आदर किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बाबा जी हम चर्चा कर रहे हैं अंतरंग साधन क्या और बहिरंग साधन क्या, इस युग में जल्दी से जल्दी परमात्मा में विश्रांति कैसे पाए। बाबा ने कहा भाई साधन दो प्रकार के होते हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों का विचार करके, ये आत्मख्याति जो जैन धर्म ने कही, बौद्ध धर्म ने कही, वेदांत ने इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहा, लेकिन जो आत्मज्ञान का तत्वमसि आदि महावाक्यों को, चार वेद के चार उपनिषद है, चार उपनिषद के चार महावाक्य हैं, तो तत्वमसि आदि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये चार वेदों के चार महा उपनिषदों के महावाक्य हैं, चार उपनिषदों के महावाक्य हैं चार। तो उनका विचार करते करते अपने आत्मा तत्व को जान लेना ये अंतरंग साधन है, बिल्कुल नजीक के साधन। परिग्रह न करना, झूठ न बोलना, अति आहार न करना, अति निद्रा न करना, अति बोलना नहीं, अति घूमना नहीं, और समय बचाकर अपना जप तप होम हवन सुध सेवा पूजा करते करते अंतर्मुख होना, ये बाह्य साधन है। वो बाह्य साधन भी नहीं कर सके तो उससे ज्यादा बाह्य साधन है, गए तीर्थ में, देवालयों में, इधर गए उधर गए, निष्कामता रखी, वो भी देर सबेर आत्मा में लिया। सकामता संसार को देने वाली है और निष्काम भाव से किए हुए कर्म आदमी को अंदर ले जाते हैं। बाहर से लगता है कि सकामी को फायदा हुआ, खाने वाले को, लेने वाले को, देने वाले को तो घाटा पड़ा, लेकिन भीतर से देने वाले को जगत नियता ऐसा देता है कि अपने आप को ही दे डालता है। कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। निष्काम कर्म वाला दूसरों को नहीं ठगेगा, अपना ही बल, अपनी बुद्धि, अपना अकल, अपना धन, अपनी वस्तु दूसरे के काम आ जाए। उसका मतलब नहीं कि अपना रुपया पैसा दूसरा जाके फिल्म देखे, अपने को बुद्धू बना के दूसरा उसका उपयोग कर दे, नहीं। ईश्वर के रास्ते जाने वालों के काम में अपना बुद्धि, अपना अकल, अपनी वस्तुएं आ जाए, ऐसा निष्काम कर्म करने वाले लोग सोचते हैं। तो निष्काम कर्म से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि परब्रह्म परमात्मा में ठहरती है। गीता के दूसरे अध्याय में, चौदहवें अध्याय में ज्ञानी के लक्षण बताए। स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, वो स्थिति प्रज्ञ जिनकी प्रज्ञा से राग द्वेष मोह निकल गया है। आज का श्लोक है शोक मोहो सुख दुखम देहापतिश्च मायाया। ये जो शोक दिखता है, दुख लगता है, सुख लगता है, ये सब देह के कारण लगता है, जैसे स्वप्न बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख तथा संसार भी माया से
बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। तो इस शरीर जैसे मिथ्या है, ऐसे बुद्धि में आने वाला शोक, मोह, भय, चिंता भी मिथ्या है। इसको मिथ्या मानने से आप निर्दुख हो जाते हैं। आपके बुद्धि में भय आया, शोक आया, चिंता आया, तो आप ये विचार करना कि बुद्धि आत्मख्याति, बुद्धि बदलती रहती है। जो बदलने वाली बाई है उसमें रहने आने वाला दुख सुख अबदल कैसे हो सकता है? वो भी बदलने वाला है। जब शरीर बदलता है, बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, तो दुख सुख सदा थोड़े रहेगा। पहली क्षण जो घटना घटती और दुख लगता है, दो घंटे के बाद वैसा नहीं होता। और वो घटना को आप स्वीकृति नहीं देते, उतना दुख जोर मारता है। कोई महिला का पति स्वर्गवास हो गया, अब वो स्वीकृति दे दे विधवा होने को, क्योंकि पति तो चला गया, चलो अब विधवा होकर जीवन जी लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो उसका दुख कम हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पति तू का है रे, छोरों का काहे होगा रे, पकड़ पकड़ हम पछाड़ा करें, इससे पति तो वापस आएगा नहीं, लेकिन अपनी पकड़ के कारण बुद्धि में शोक मोह बढ़ जाएगा। लोग क्या कहेंगे, मानू छा चवंदा। इस प्रकार का बुद्धि में ममता डालते रहोगे तो लोगों के तुम कठपुतलियां हो जाओगे। लेकिन अपनी ओर से हम ठीक कर रहे हैं, फिर लोगों की जैसी बुद्धि होगी ऐसा कहेंगे हरिओम तत्सत और सब गप सत। ऐसा करके जीवन जीने का ढंग आ गया तो लोगों के आप खिलौने नहीं बनेंगे। हम लोग लोगों के खिलौने क्यों बनते हैं कि बुद्धि वृत्ति में जैसा जैसा संस्कार पड़ जाता है वैसे वैसे हम अपने को मान लेते हैं, इसीलिए हम कल्पनाओं के शिकार बन जाते हैं। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो संसार को सत्य मानकर बुद्धि वृत्ति में जो कल्पना आई उसको सच्ची मानकर संसार में जिया हो और सुखी हुआ हो, असंभव है। फिर चाहे भगवान कृष्ण साथ में हो अर्जुन के, लेकिन अर्जुन की बुद्धि में जो कल्पना है पकड़ रखी है अर्जुन ने, तो अर्जुन पूरा सुखी नहीं हो रहा है। उद्धव ने जो कल्पना है पकड़ रखी और श्री कृष्ण साथ में भी है, फिर भी उद्धव पूर्ण निश्चिंत नहीं हुए। संसार को मिटाना नहीं अथवा भगवान को पाना नहीं, लेकिन बुद्धि से बेवकूफी मिटाना है और बुद्धि को परमात्मा में प्रतिष्ठित करना है। जय जय। परमात्मा तुमसे दूर नहीं, तुम परमात्मा से दूर नहीं। सुख सदा रह नहीं सकता, दुख सदा रह नहीं सकता, और भगवान कभी हट नहीं सकता। लेकिन देखो तो सदा सुख दुख दिखता है और भगवान दिखता ही नहीं, ये बुद्धि का दोष है ना यार। चार बातों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, वो तुम्हारे अंतर्यामी परमात्मा चार व्यक्तियों पर विशेष प्रसन्न होते हैं। जो वीर होकर भी विचारवान हो, बलवान होकर भी विचारवान हो, नहीं तो अंधा बल होता और कुछ का कुछ कर डालता। बलवान हो और विचार साथ में रखता, उस पर भगवान विशेष खुश होते हैं। धनवान है और दीनता रखता है, उस पर भगवान विशेष खुश है। और कुछ न होते हुए भी कुछ न कुछ देने की भावना रखता और कुछ दे डालता है, मतलब कंगाल होते हुए भी दान कर देता है। और महाराज त्यागी होते हुए भी त्यागी होने का अभिमान नहीं करता है, उस पर भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। क्योंकि त्याग भी बुद्धिवृत्ति का काम है, दान भी बुद्धिवृत्ति का काम है, वीरता भी बुद्धिवृत्ति का काम है। तो ये सब होते हुए भी जो इनको बुद्धिवृत्ति का खेल समझता है वो अपने में आरोपित नहीं करता कर्मों को, वो आत्मज्ञान को जल्दी पा लेता है। आज की कथा अगर आप बार बार विचारें तो हजारों हजारों कथाओं का फल इसी कथा से मिल जाएगा। वेदांत विचार की कथा ऐसी है कि महाराज ठाक उतार दे जन्म जन्म का। तो शोक मोह सुखम दुखम देह पतेश्च मायया,
शोक मोह दुख और सुख ये देह और इंद्रिय मन के साथ जो मिलकर जो भी कुछ होता है वो सब माया है। ऐसा समझकर माया को माया समझा, रस्सी को तुमने रस्सी जाना तो सांप गायब हो जाएगा, मरुभूमि को तुमने मरुभूमि जाना तो पानी गायब हो जाएगा, ठूठे को तुमने ठूठा जाना तो चोर गायब हो जाएगा। सनकादि ऋषि को ब्रह्मा जी कहते और हंसा अवतार भगवान कहते हैं कि जैसे एक ही मिट्टी से तवा चलम घड़ा घड़ियां सुराइयां अनेक बर्तन बनते हैं, मिट्टी एक की एक, एक ही प्रकार के सुवर्ण से अनेक गहने बनते हैं, एक ही जल से अनेक प्रकार की बर्फ की डिजाइनें और खिलौने बन जाते हैं, एक ही शक्कर से अनेक प्रकार के खिलौने बन जाते हैं। ऐसे ही एक ही प्रकार के उस सच्चिदानंद चैतन्य परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि अनेक कल्पनाएं कर लेती है। तो आदमी को पुत्र क्यों प्यारा है, पुत्र का मित्र क्यों प्यारा है कि पुत्र के नाते पुत्र का मित्र प्यारा है, पुत्र के मित्र से पुत्र प्यारा है और पुत्र से भी अपना शरीर प्यारा है और शरीर से भी अपनी इंद्रियां प्यारी है और अपनी बाहिर इंद्रियों से भी अंतर इंद्रियां प्यारी है। जितना आपके नजीक जो चीज है वो उतनी ज्यादा प्यारी है। पुत्र के मित्र से पुत्र नजीक है और पुत्र से तुम्हारा देह नजीक है और देह से तुम्हारी इंद्रियां नजीक है और इंद्रियों से तुम्हारी अंतर इंद्रियां नजीक है और इसलिए तो तुम्हारे सिर पर कोई चोट करता है तो तुम तुरंत हाथ की बलि दे देते हो लेकिन सिर को बचा देते हो, क्योंकि मनोवृत्ति बुद्धि वृत्ति यही रहती है कि तो इनसे भी प्राण प्यारे हैं। लेकिन उस प्यारे के मुलाकात में अगर प्राण भी साथ नहीं देते और आदमी बेचैन होता है अशांत होता है तो प्राणों को भी त्याग देता, आपघात कर लेता, लेकिन प्यार का आपघात नहीं करता, सुख का आपघात नहीं करता है, देह का आपघात कर लेता है लेकिन अपने सुख स्वरूप का वो घात नहीं कर सकता, क्यों? अपना आत्मा सबको प्यारा है, अपना आपा प्यारा है, लेकिन बेवकूफी के कारण लोग आपघात कर लेते हैं। आपघात करने से सुखी होना चाहते हैं, आपघात करने से सुख नहीं होता हो तो प्रेत होकर भटकते हैं। अहम घात करना चाहिए, अहम में ही पकड़े हैं तो जिसमें तुम्हारी आसक्ति होती है वो तुम्हारे से हटा दिया जाए और जो तुम्हें नहीं चाहिए वो मिले तो समझ लेना कि भगवान की और गुरु की कृपा हो रही है।